जैसे ये है MySQL का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे तो कमांड लाइन पे आप काम करते हैं, ये सारे इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें सबसे पहले आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है, डेटाबेस का नाम आपने हमेशा DB से शुरू करना है, और DB से नहीं भी शुरू करेंगे तो मसला कोई नहीं, लेकिन आपने गुड प्रोग्रामिंग कन्वेंशन यूज करनी है। उसमें यह है कि आप डेटाबेस का नाम हमेशा DB से शुरू करेंगे, DB MyPHP मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं, लिख के आपने एंटर प्रेस करना है तो कह रहा है कि डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब वो कह रहा है कि आप टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल का नाम हमेशा DBL से शुरू करें, DBL स्टूडेंट, पूछा नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ 5, इंटर प्रेस कर, उसने आपको आपको 5 स्पेस दे, सबसे पहले आपने क्या लिखा है इधर STD_ID, इसकी टाइप इंटीजर, और इसको आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा में से जाके ऑटो इंक्रीमेंट सेलेक्ट करना है, और साथ ही इसको प्राइमरी की भी बना देना है। ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए सेलेक्ट किया है कि जब भी इस टेबल में डाटा ऐड करेंगे, इस फील्ड में हमने डाटा ऐड नहीं करना, इस फील्ड को ये जो RDBMS है ना, ये खुद से मैनेज करेगा। जब भी हम इस टेबल में डाटा ऐड करेंगे, इस फील्ड को हम इस फील्ड में हम डाटा नहीं डालेंगे, क्योंकि इस फील्ड को ये खुद ही मैनेज करेगा। जब इसमें डाटा डालेंगे, ये बंद कर इंक्रीमेंट कर दिया करेगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट है। इसको प्राइमरी की भी बनाया, प्राइमरी की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक तो ये होती है कि प्राइमरी की कभी नल नहीं होती, और दूसरा डुप्लीकेट नहीं होती है। ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमरी की, क्योंकि ये खुद ही उसको मैनेज कर रहा है। अगर कभी मुझे वैल्यू डालनी पड़े, हो सकता है मैं कभी इसकी इसमें वैल्यू डालना भूल जाऊँ, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम उसको खुद मैनेज करेगा, इसलिए हर दफ़ा वन का इंक्रीमेंट, वन का इंक्रीमेंट, ये कभी नल नहीं होगी, और क्योंकि हर दफ़ा वन का इंक्रीमेंट होता रहना है, और इसलिए कभी डुप्लीकेट भी नहीं होगी। इसलिए जब भी आपने किसी टेबल में प्राइमरी की रखनी हो, एक तो उसको इंटीजर रखें, दूसरा उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दें, और तीसरा उसको यहाँ से प्राइमरी। STD मेन, इसकी टाइप रखनी है वारचार, क्योंकि वारचार के अंदर अल्फा न्यूमेरिक डाटा आ सकता है, ठीक है, और इसकी लेंथ देना जरूरी है, मैक्सिमम 256 करेक्टर स्टोर हो सकते हैं जिसकी टाइप वारचार। ये लेंथ देना जरूरी है, वरना एरर दे देता पासवर्ड की वाचर है जी, वाचर ही होता है ना, हम मिला के देते हैं पासवर्ड। जेंडर की टाइप आपने इनम रखनी है, इनम डेटा टाइप इनमेशन है C++ के अंदर, इनम ऐसी डेटा टाइप है, इनम ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर हम ना इसकी वैल्यूज को फिक्स कर देते हैं। ये डेटाबेस तब इस्तेमाल, ये टाइप तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऑलरेडी पता हो कि इस वाली फील्ड में पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकती है। नेम में पॉसिबल वैल्यूज का भी पता, हर बंदे का अपना नेम है, हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जेंडर में पता है, या मेल आएगा या फीमेल आएगा, डेज के नेम होते हैं, मंथ के नेम होते हैं, ठीक है जी, ये चीज़ें जो होती हैं फिक्स होती हैं, इनकी टाइप आप उन्हें बता सकते हैं। जिनम के अंदर वैल्यू जरा जरूरी है, पहले सिंगल कोट देंगे, फिर आप लिखेंगे मेल, सिंगल कोट क्लोज कर देंगे, पहली वैल्यू कॉमा डाल के फिर सेकेंड वैल्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इसके बाद कॉमा डाल के और भी आ वैल्यू एड कर सकते हैं। अब इसको आपने सेव कर दिया, ये आपका टेबल होता है, टेबल स्टूडेंट हैज बीन क्रिएटेड, ये टेबल आपका, ये फील्ड है। अगर इसमें से किसी फील्ड को आपने डेल करना हो तो आपने इस पर क्लिक करना है, और पूछेगा कि आर यू श्योर, डिवाइड डिलीट करना चाहते हैं, ओके करेंगे, डेल होते हैं। अगर किसी को रीनेम करना है, किसी का नेम गलत दिखा गया, तो आप इसको यहाँ से जाकर रीनेम भी कर सकते हैं। आपको अगर बाद में ये याद आता कि मैं इसके अंदर एड्रेस वाली फील्ड भूल गया हूँ, तो वो आप कहाँ से ऐड करेंगे, आप इन्वर्ट पे आप क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर पे जाकर ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड कितनी फील्ड ऐड करनी है, एक एंड ऑफ द टेबल या बिगिनिंग ऑफ द टेबल, या इस फील्ड के बाद, मैं कहता हूँ कि मैंने ना पासवर्ड के बाद जो है ना एक एड्रेस की फील्ड ऐड करनी है, तो एक आपके पास आ रही है पासवर्ड के बाद एक एड्रेस की फील्ड ऐड हो गई है,
अगर आप इसको डेल करना चाहें तो आप इधर से इसको डेल भी कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने हमने ये देखा है कि इस टेबल के अंदर अगर डाटा ऐड करना तो कैसे करेंगे, इनवर्ट पे क्लिक करेंगे। मैंने पहले बताया कि फर्स्ट फील्ड को हमने नहीं किया, हमने उसमें डाटा डालना ही नहीं है। अगर आपने ये देखना हो कि इसमें डाटा कौन कौन सा पड़ा हुआ है, डाटा शो करवाना हो तो ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, सर्च करना तो सर्च पे जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाकर आप इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, नई फील्ड ऐड करनी है, किसी फील्ड का नेम चेंज करना है, किसी की टाइप चेंज करनी है, सारा काम स्ट्रक्चर में होना है। एसक्यूएल के अंदर हम क्वेरीज लिख के टेस्ट करेंगे, क्वेरीज बनाएंगे, सबसे पहले सर्च होगा, उसके बाद आप एम्प्टी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जितना भी डाटा आपने ऐड किया हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा। अगर आप ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो डाटा तो खत्म होगा, साथ आपका टेबल भी उड़ जाएगा, इसलिए एम्प्टी को ना ट्रंकेट भी कहते हैं, एम्प्टी को कहते हैं ट्रंकेट और इसको कहते हैं ड्रॉप टेबल। ट्रंकेट मीन्स कि आपका डाटा उड़ जाएगा, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, और ड्रॉप मीन्स कि डाटा भी खत्म और स्ट्रक्चर भी खत्म। उसके बाद ऑपरेशन में आप आ गए, इसके अंदर आके आप अपने टेबल को रीनेम कर सकते, इसको इस टेबल को एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस में शिफ्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट्स लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे आगे कर सकते हैं, इसमें ऑपरेशन, ठीक है। आप दो चीज़ें बच गई, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है अच्छा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ये किसी जरूरत पड़ती है, लेकिन आपने वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट बनाने के बाद आप ये चाहते हैं कि मैंने इसको ऑनलाइन करना, उसके लिए हमने पड़ा था हमें वेब होस्टिंग परचेज करनी। अब लोकल मशीन से आपने कोड तो उठा लिया, कॉपी कर लिया, डेटाबेस कैसे कॉपी करेंगे, डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना पड़ता है और वहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये अगर आपने बैकअप में है एक्सपोर्ट रिपोर्ट दे, दूसरा यह कि जब आपने अपने डेटाबेस का बैकअप लेना है, ठीक है जी, वीकली मंथली या बैकअप लेना, उस वक्त भी आप अपने डेटाबेस को डेटाबेस में एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं, फिर बाद में अगर अलग अलग कोई मसला बन जाए तो आप अपने डेटाबेस में इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कैसे करना है कि आपने सबसे पहले डेटाबेस पे क्लिक करना है, फिर आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, इधर आपके सारे टेबल आ रहे होंगे, अभी तो टेबल ही एक है ना, इसलिए एक आ रहा है, सिलेक्ट आप कर रहे हैं टेबल्स को, सेव एज पर क्लिक करते हैं और नेम चेंज करना तो आप अपनी फाइल पे जाना होगा, डेट ये आपकी डेटाबेस डाउनलोड हो गई, ये कहाँ पड़ी है, ये भी आपकी डीबी में, ठीक है। अब इम्पोर्ट कैसे होगी, इम्पोर्ट करने के लिए ये है कि पहले आप जो है ये आपने सर्वर जहाँ भी इम्पोर्ट करने पहले सर्वर ओपन किए, अच्छा अब आपने इम्पोर्ट करने से पहले आपके पास कोई डेटाबेस होगी तो उसके अंदर कोई चीज़ डाल देनी, आपने सबसे पहले एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट करना, बेसिकली उसी नाम की डेटाबेस क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि आप ये एक ही जो सर्वर है उस पर एक नाम दो डेटाबेस हो नहीं सकती है, इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ डी पी माई पी एच पी वन के नाम से, मैंने एक नई डेटाबेस को दिया। अब मैं इम्पोर्ट पर जाऊँगा, चूज फाइल, वो मेरी फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, मेरी फाइल पड़ी हुई है आज हमने क्या पढ़ा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हमने ये देखा कि टेबल्स के अंदर फील्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं,
फिर हमने ये देखा कि उसमें जो है वो एनियम टाइप क्या होती है, ठीक है, फैमिली की कैसे बनाते हैं, आगे इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, फिर वाचर क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि डाटा सर्च कैसे करते हैं, अगर बाद में फील्ड ऐड करनी पड़े वो कैसे ऐड करते हैं, डाटा शो कैसे करवाते हैं, ऑपरेशन में जाके उसको रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डंपिंग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्ट हो सकते हैं। आपने इसके बॉडी के टाइम में तक जाना, ठीक है, करना है यहाँ से। इसके तीन व्यू हैं, ये आपके पास कोड व्यू है, ये डिजाइन व्यू है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे सिर्फ कोड व्यू नजर आएगा, इसको क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू नजर आएगा, इसको क्लिक करेंगे इस साइड में कोड और एक साइड में। बॉडी के टैग में आपने आ जाना है, उसके बाद आपने और जैसे कि आता है टेबल है, अब पूछेगा उसमें कितने रोज कितने कॉलम होने चाहिए, हम कहते हैं 6 रोज होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, और उसके बाद उसकी लिस्ट भी होनी चाहिए, ये आपके सामने कर बोला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला 2 कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, डिजाइन में जाकर दोनों को सिलेक्ट करना है और इधर से जाकर इनको मर्ज कर देना है, ये भी हो गया, इधर आप हेडिंग दे, सिलेक्ट कर रहे हैं ऐसे, इधर से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको सेव कर, अब ये चीज आपने और से देखनी है, सेव कहाँ पे करना है, आपने सीन इंस्टॉल की है बाकी पेज में चले जाना है, वहाँ पे एच टी डॉक का बोर्ड है, एच टी डॉक्स का, उधर जाके आप ये नया फोल्डर बना लें, ठीक है, आपने अपना फोल्डर बना लिया, मेरे वाले फोल्डर में नाम लिया, इधर जाके इस फाइल को सेव कर देते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे यहाँ से टेक्स्ट भी क्लिक करें, दूसरा लेबल लगाना नहीं लगाना, ये मैसेज आया इसको और से देखना, ये लिख कह रहे हैं कि फॉर्म का टैग ऐड करना है, आपने चेक करके इसको नहीं करना, यस नहीं करना, क्या करते हैं ये टेक्स्ट बुक कर दो, इसी को कॉपी कर लें, इधर पेस्ट कर दो, इधर निकाल लें, इधर इधर से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म टेक्स्ट को देखें, अब इधर डिजाइन पर इधर लिखे मेल और वर्क में जाके फॉर्म में जाके सेव यू बटन पर क्लिक करेंगे, ये लिखिए इसी तरह से जान इधर क्लिक यू बटन इधर फॉर्म सेव यू बटन, ठीक, यहाँ पे बटन ऐड कर लो, लर्ट में जाए फॉर्म में जाए बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है भाई, अब इनके प्रॉपर नेम रखे, पहले चेकबॉक्स टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करें और इधर जाके इसका नाम दे दें टी एक्स टी नेम, ठीक है, ये अभी क्या था इसका नाम टी एक्स टी फील्ड था ना,
तो मैं जो ही टीएक्स की नेम जब एंटर प्रेस करूंगा चेंज हो गया टीएक्स की नेम चेंज हो गया। अच्छा इसी तरह से दूसरा टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें रेडियो बटन का नाम आपने रखना है आर डी जेंडर और इसकी वैल्यू में आप क्या लिखोगे मेल याद रखना कि रेडियो बटन जितने भी आप लगाएंगे सबका नाम मेल सेम होना चाहिए और उनकी वैल्यू डिफरेंट होंगी। अगर आप उनके नेम डिफरेंट रख लिए तो एक वक्त में दो रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाएंगे, हमें तो एक वक्त में एक सेलेक्ट करना है इसलिए इनके नेम सेम रखने हैं। ये रेडियो बटन लगाए हैं इसका नाम आदि जनता रखे हैं इस तरह ये चेक करें इसमें जो है आर टी जेंडर नेम वही रखें वैल्यू ये आपको ये बटन रह गए बटन का नाम काम कर रहे हैं और वैल्यू में जो लिखी है वहाँ पर नंबर आएगा ठीक है नाम इसका इसको ये जो हमारा पेज है अब इसको रन करके देखिए तो आप यहाँ से रन करना इधर आपका फोल्डर आ गया इसको क्लिक करें कल हमने कनेक्शन बनाया था बनाया था उसको चेक नई फाइल ले रही है कंट्रोल है जो भी फोन लिया लेता है इसमें हमने पढ़ा था कि चार चीज़ों की जरूरत है सर्वर में वो हमारे केस में क्या है दूसरा फंक्शन और मैंने बताया था अगर चेक करना हो तो कनेक्शन ठीक है या गलत इस फंक्शन के पूरे में आप इस फाइल को भी उधर स्टोर कर रहे हैं और इसका नाम हम अब हम बैक कर रहे हैं ये देखिए ये फाइल भी आ गई समझ में ये वन भी आ गई समझ में समझ में जो भी डाटा इधर हम ऐड करें वो हमारी डाटा बेस में चला जाए। अच्छा अब देखें कि मैं अगर यहाँ पे डाटा लिखता हूँ यहाँ पे और मैं इधर इसको क्लिक करता हूँ ऐड पे तो देखो पूरी भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा हालांकि इसको कम अज कम जो है पेज को सबमिट करना चाहिए वो इसलिए नहीं हो रहा कि हमने इसको फॉर्म का जो कंट्रोल है वो अप्लाई नहीं किया वेब कंटेनर के अंदर इसको रखा ही नहीं है हमने जब तक फॉर्म का टैग नहीं लगाएंगे ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। फॉर्म नेम एफआरएम 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 छोड़ दें
मैथड हमने पढ़ा था कोर्स के थे, दो पढ़े थे गेट और कोर्स, और ई एन सी टाइप मैंने बताया था तीन टाइप होती हैं, आपने हमेशा मल्टी पार्ट सिलेक्शन किया, तो इधर ये टाइप क्लोज हो गया, तो जिधर ये आपका टेबल बंद होगा ना इधर जाके फॉर्म को क्लोज कर, अब ये देखें रेड लाइन आ गई जिसका वजह सारे कंट्रोल इसके अंदर आ गए। अब जब आप इसमें डाटा इसके लिए रिफ्रेश कर लें, अब देखें जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इधर और कीजिएगा, ये आपका पेज सबमिट होता है, इधर पेज आपका सबमिट हो गया ठीक है। अब इधर जाके इसकी हमने ये तो सारी की हमारी क्लाइंट साइड की कोडिंग, अब हम इसकी सर्वर साइड की कोडिंग करेंगे, अब फिर पहले इसकी का स्टार्टिंग टैग लिखते हैं और एंडिंग टैग लिखते हैं, आपने सबसे पहले इंक्लूड करवाना है कनेक्शन की फाइल, कनेक्शन उसके बाद आपने कंडीशन लगानी है, इस सेट का फंक्शन ये चेक करता है कि बटन कौन सा प्रेस हुआ, कंट्रोल कौन सा प्रेस हुआ, पोस्ट लिखेंगे इसलिए कि हमने फॉर्म का मेथड पोस्ट रखा है, और आपने इसके अंदर लिखना है बी टी एन एड, मैंने ये लिखा है बेसिकली, ये कंडीशन इसलिए लगाई है कि जब इस बटन को क्लिक किया जाए तब इसके अंदर जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो एग्जीक्यूट हो, ऐसे एग्जीक्यूट ना हो, तो इस बटन का नेम हमने क्या रखा था बी टी एन एड, याद होगा आपको, तो मैंने कहा जब ये इस का फंक्शन ये चेक करेगा कि यही बटन प्रेस हुआ है, अगर ये बटन प्रेस हुआ है तो इस वाले इसके अंदर आ, यहाँ पे आके सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो भी डाटा यूजर ने एंटर किया वो हमें रिसीव करके इन वेरिएबल में स्टोर करवाना है ठीक है जी। पहला वेरिएबल आप इधर ले रहे हैं, इधर आप लिखेंगे डॉलर साइन अंडरस्कोर कोर्स, क्योंकि मेथड हमारा कोर्स है, और आप इसमें लिखेंगे txt name, के टेक्स बॉक्स नेम में जो भी आपने लिखा है वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए ठीक है। इसी तरह से फिर आप ईमेल ले लें txt name, और इसी तरह से फिर आपके पास पासवर्ड आ जाएगा, ये चार चीज़ें थी हमारे पास, चारों की वैल्यूज हमने लेके चार वेरिएबल्स में स्टोर करवाए। अब आपने लिखनी है क्वेरी इंसर्ट, आप लिखेंगे इंसर्ट एंट्री टीबीएस स्टूडेंट, टीबीएस स्टूडेंट में ऐड कर, उसके बाद आपने लिखना है कि कौन कौन सी फील्ड में डाटा ऐड करना है, आपके पास डेटाबेस में फील्ड कौन कौन सी, एसटीडी नेम, एसटीडी ईमेल, यही है ना डेटाबेस आपने बनाई है, एसटीडी नहीं, आईडी में तो हमें डाटा नहीं ऐड करना, वाटर इंक्रीमेंट है हमने पहले भी नहीं डिसाइड कर लिया था ठीक है जी। ईमेल एसटीडी पासवर्ड और एसटीडी ये तो आपने डेटाबेस की फील्ड के नेम लिख ली, उसके बाद आपने कीवर्ड है वैल्यूज ये लिखेंगे, अब आपने जिस तरतीब से ये लिखे हैं ना उसी तरतीब से वैल्यूज लिखनी है, पहले सबसे पहले क्या कौन सी वैल्यू आएगी नेम, क्योंकि हमने जो इसमें नेम स्टोर करना है ना उस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, तो पहले नेम आएगा, फिर ईमेल ये आपने, अच्छा उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, आप लिखेंगे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, क्यूरी ऐड की और डिलीट की, अपडेट की या सिलेक्ट की, सबके लिए एक ही फंक्शन है, आपने इसमें क्यूरी पास कर ठीक है, आपको सेव कर आप इसमें डाटा ऐड कर,
यहाँ पे पास में नजर नहीं आना चाहिए, स्टार बने नजर आने चाहिए, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। मेल का आपने सेलेक्ट कर लिया, एड पर क्लिक किया, अब आप इधर जाकर देखें कि डाटा इसमें आया या नहीं आया। आ गया डाटा, लेकिन इधर मैसेज नहीं आया कि डाटा ऐड हुआ है नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं आया। अच्छा, ये वाला जो फंक्शन है ना MySQL underscore query का, ये फंक्शन जो है अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए ना, क्या हो जाए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो ये वन रिटर्न करता है। अब जब ये वन रिटर्न करेगा वो आर एस में आके स्टोर हो जाएगा। हम चेक कर लेंगे कि अगर तो आर एस में, आर एस में वन आ गया तो इसका ये मतलब है इको कर दे या प्रिंट कर दे डेटा has been inserted else sorry the data has not been inserted। तो ये आपने जो प्रिंट लगाया था कनेक्शन वाला खत्म करने, क्योंकि अब ये तो पता है कनेक्शन ठीक है। ये पासवर्ड नहीं आ रहा, आप ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना पासवर्ड वाला, इसकी टाइप यहाँ से पासवर्ड सेट कर, टाइप चेंज करने वाला देखा ना, इसकी टाइप पहले थी टेक्स्ट, ठीक है, अब इसकी टाइप आपने क्या रख ली है,